इसको अगर आप लिखना चाहो तो आपकी जो बुक है एमआर
सबसे पहले इसमें क्या बनेगी? रिवाइज कैश। सबसे पहले इसमें क्या बनेगी? रिवाइज कैश। इसके बाद वो क्या है? द ओपनिंग बैलेंस।
देखिए मैं अभी आपसे देखो जुबान से बोल रहा हूं तो मैं अपनी आवाज को ऊंचा कर सकता हूं अगर मैंने किसी बात पे जोर डाला, लेकिन इन राइटिंग के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, जब शैल है अभी इनके लफ्ज इस्तेमाल में, इसका मतलब है लाजमी इसको इस तरह होना चाहिए था। वो कह रहे हैं द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैश बुक शुड हैव बीन, जो ओपनिंग बैलेंस है कैश बुक का उसको 58,800 होना चाहिए था इंस्टेड ऑफ 56,280 के 56,280 की जगह 58,800 हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप देखें 56,280 की जो अमाउंट है वो आपको कहां पर नजर आती है, वो डेबिट पर नजर आती है। इसका मतलब क्या हुआ और उसको होना कितना चाहिए था 58,800 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने कैश बुक की डेबिट साइड पर अमाउंट कम लिखी, कैश बुक की डेबिट साइड पर अमाउंट कम लिखी है। कितनी कम लिखी है, 58,800 में से 56,280 माइनस करेंगे तो ये आ गया आपके पास 2520 की वैल्यू आ गई, ये आपके पास 2520 की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद वो कहते हैं थ्री चेक्स है, तीन चेक्स है, तीनों की अमाउंट को जमा करेंगे। हैव नॉट येट बीन प्रेजेंटेड, मैंने यहां पे देखिए पहले का लिखा हुआ है अनप्रेजेंटेड चेक्स को हम रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद लिखा हुआ है नेक्स्ट स्टेटमेंट, उसमें लिखा हुआ है द पेन से, पेन से जो मुराद जो आपके डिपॉजिट हो गए अनकलेक्टेड चेक्स है वो भी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फिर वो कह रहे हैं बैंक ड्रॉप इन है, बैंक का एरर है वो भी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यानी कि नेक्स्ट तीनों पॉइंट मैंने आपको पहले बता दिया कि हम रिवाइज कैश बुक का रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो यहां पर जो हमारे पास रिवाइज कैश बुक में रिकॉर्ड होने वाली चीजें थी वो पूरी हो। अब हम क्या करेंगे, डेबिट साइड का टोटल करेंगे, तो डेबिट साइड का टोटल मेरे पास आ जाता है 40,920, 40,920। इस 40,920 में से ये तमाम रकमें मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 3,504, मेरे पास बैलेंस आ जाएगा 3,504। यहां पे जो क्वेश्चन है वो रिवाइज कैश बुक तक कंप्लीट हो, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट है रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, उसकी रिक्वायरमेंट है रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। जो चीजें मैं रिवाइज कैश बुक में रिकॉर्ड कर चुका हूं वो मैं रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं करूंगा। जो चीजें मैंने रिवाइज कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की वो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में मैं रिकॉर्ड करूंगा। रिकंसिलेशन स्टेटमेंट किस तरह बनेगी, वो एक प्रोडक्ट फॉर्मेट है, उसी तरह चलेंगे। हमारे पास द कैश बुक ऑफ अ ट्रेडर, यहां पर नाम नहीं मेंशन, तो हम क्या लिखेंगे, ट्रेडर लिखेंगे। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर जो भी ये दिया हुआ है। फिर इसके बाद बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट, यह बैलेंस रिकॉर्ड करेंगे जो हमारा रिवाइज कैश बुक का बैलेंस है 3504। उसके बाद तीन चेक थे अनप्रेजेंटेड, हम उन तीनों की अमाउंट को जमा कर लेंगे। बैलेंस एज पर कैश बुक 3504 मैं कहां से ले आया, जो मेरा रिवाइज कैश बुक का आंसर। इसके बाद अनप्रेजेंटेड चेक्स, आपकी बुक में तीन अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं, उन तीनों वैल्यूज को
नेगेटिव आएगा तो ऊपर में डेबिट बैलेंस होगा, तो नेगेटिव होने की वजह से यही बैलेंस सेम बैलेंस यहां पर रिकॉर्ड हो जाएगा, इसको हम लोग क्रेडिट कहेंगे। और नेगेटिव के लिए डेडिकेशन मैंने क्या यूज किया है, ब्रैकेट के साइन है वो आइडेंटिफाई करते हैं कि ये आंसर हमारा नेगेटिव है। ये बच्चे आप लोगों का स्टूडेंट्स आप लोगों का टॉपिक था रिवाइज कैश बुक का, और आपकी एनुअल पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 22, वो भी मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। रिवाइज कैश बुक पहले बनेंगे, रिवाइज कैश बुक के बाद में लेके चलते हैं हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पर। जो चीजें रिवाइज कैश बुक पर रिकॉर्ड हो चुकी होंगी वो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में नहीं है, जो चीजें रिवाइज कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड होती वो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में रिकॉर्ड। ये था आपका रिवाइज कैश बुक का टॉपिक विद रिस्पेक्ट टू द बीकॉम वन की बुक फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक। रिवाइज कैश बुक का टॉपिक हमने एंड किया, रिवाइज कैश बुक से जो अगला टॉपिक है डबल बैलेंस मेथड या रिकॉर्डिंग ऑफ द बोथ बैलेंसेस, उसके लिए इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसके अंदर मैं आपको डबल बैलेंस मेथड का इंट्रोडक्शन भी दूंगा और उसका जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करके समझा दूंगा। तो अगर आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के कंप्लीट लेक्चर्स देखने हैं और कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेनी है तो उसके लिए आपको जो कॉन्टिन्यूटी में मेरे इकट्ठे लेक्चर्स हैं और गारंटी बुक के रेफरेंस भी, उसके लिए आपको डब्ल्यूसी का ऑफिशियल चैनल विजिट करना पड़ेगा, उस पर लेक्चर्स को आप देखें, इंशाल्लाह आपका रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट